नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे रोजी फ्रेंड्स, मेरे बेलियों सजनों, आशा करती हूँ आप सब लोग फिट फाट हो और अपनी स्किन केयर को रूटीन फॉलो कर रहे हो। आज से मैं इस वीडियो में एक पार्ट वन शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। अगर आपको पता लगता है कि आपको रोजेशा है तो उसको फर्स्ट थिंग हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले इनवोलिम 408 mg की टैबलेट होती है, जो आपको खाली पेट मतलब नाश्ते से पहले खानी होती है वो दवाई। वो खाने पे कुछ लोगों को लूज मोशन हो सकता है या यू नो वॉमिटिंग फील हो सकती है, नौजिया फील हो सकता है, पर ये बहुत नॉर्मल है। और ये दवाई हमने जो मैं आपको बता रही हूँ ना आज, ये आपने 2 महीने कम से कम इनवोलम खानी है, और ये नहीं कि 2 महीने से ज़्यादा खानी है, 2 महीने खानी है, सिर्फ एक टाइम खानी है और खाने से पहले खानी है। और ये बहुत यू नो एक काइंड ऑफ ये ऐसी एक सिर्फ एक ऐसी कैप्सूल है जो मैं आपको बता रही हूँ रोजेशिया के लिए, जो एक आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है। बाकी हम सब बाहर के एप्लीकेशन लगाने वाली को डिस्कस करेंगे आगे। जैसे अपना हम क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं ना, तो उसके लिए ग्राउंड को हमें लेवल करना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, रोलर चलाने पड़ते हैं, उसी तरह से आप मान लीजिए इनवोलम काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो एक काइंड ऑफ बेस बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। पर बाकी जो हम खाते पीते हैं वो हमारे हाथ में होता है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, इरशाद ने मुझसे पूछा है, इरशाद जी आप पूछ रही हैं कि क्या खाना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खाने में आप लस्सी दही पे ज़्यादा जोर दीजिए, पपीता खरबूजा तरबूज, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मीठा होता है, इसलिए बर्फ़ी जलेबी ये सब चीज़ें नहीं खानी है। देखो अगर आपको बहुत सीवियर रोजेशिया है और आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ये सब चीज़ें नहीं खाएंगी। मैदा आप नहीं खाएंगी, नॉनवेज आप नहीं खाएंगी, नॉनवेज आप ही नहीं और जिनको भी है, और जो रह ही नहीं सकते नॉनवेज के बिना, तो मेरे भाइयों और बहनों आप मतलब ज़्यादा मसालेदार वाला मत खाओ, रोस्टेड खा लो, थोड़ा खा लो, और फ्रीक्वेंसी रोज़ की अगर आपकी है तो उसे कम ले आओ ना यार, हफ्ते में 2 बार ही खा लो, चलो छूट दे दी तुम्हें, 2 बार ही खा लो। पर मतलब अच्छी बात है अगर आप कच्चा प्याज मत खाओ, कच्चा लहसुन मत खाओ, क्योंकि ये चीज़ें ना आप सोचो हमारी अंदर जब हमारी गट में जाएंगी ना, हमें अपनी गट को अभी अच्छा करना है, तो अभी अच्छा करना है तो उसके लिए ये इतनी तेज़ चीज़ें जो हमें कहते हैं तामसिक वाली चीज़ें, जैसे कहते हैं ना हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तामसिक भोजन और राजसिक भोजन होता है और सात्विक भोजन होता है, तो हम लोगों को सात्विक, सात्विक मतलब सिंपल, समथिंग विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और सब कुछ उसमें तो घर का सारा खाना आता है, और दाल चावल रोटी सब्जी, तो इस तरह से आप खाइए, मैदा ब्रेड समोसे वगैरह खाना भी है तो थोड़ा थोड़ा से खा लो यार, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। पर बाय एंड लार्ज मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में, तभी ये जो इनवोलम होगी या बाकी चीज़ें एप्लीकेशंस होगी वो आपको असर करेंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले तो अच्छा फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश की पिक्चर मैं यहाँ लगा दूँगी, एक उसका नाम है जो मैं पहले यूज़ करती थी, मॉइस्चरिक्स क्लेंस फेस वॉश करके। आजकल तो मैं DS एक्ने लाख बोलती रहती हूँ आपको, पर मैंने मॉइस्चरिक्स क्लेंस फेस वॉश से शुरू किया था। ये जब यूज़ करेंगे आप तो फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे झाग नहीं बन रहा है, पर उसका पर्पस ही यही होता है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है आपकी स्किन पे, और क्योंकि हमें रोजेशिया है तो हमें इसी टाइप का यूज़ करना है प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर। ये नहीं कोई भी साबुन यूज़ करना है, उससे तो अच्छा पानी से धो लो, ठंडे पानी से धो लो, मतलब फिल्टर वाटर से धो लो, और आँखों में अगर आपको जैसे मिर्ची या जलन होती है तो फिर ठंडे पानी के फिल्टर वाले पानी से, फ्रिज में रखे हुए पानी से छींटे मार लो, इस तरह से आप मुंह धो सकते हैं। तो नहीं तो फिर जो आपके डर्मा टेस्टेड फेस वॉश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी अभी के लिए, क्योंकि पार्ट वन में मैं आपको वो फेस वॉश बता रही हूँ जो मैंने यूज़ किए थे रोजेशिया
जब मुझे डिटेक्ट हुआ था वो था मॉइस्चरेक्स क्लेंस फेस वॉश। उसके फिर भी मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, डीएस एक्ने की लगा दूंगी और एक और था सेटाफिल था वो लगा लूँगी। तो आप देख लीजिए, अगर इनमें से इन तीनों में से आप अभी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कर दीजिए, इसका मतलब आपको सूट करता है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैं क्लेंजेक्स, आप कह रहे हैं कि मॉइस्चरेक्स क्लेंस जेल आपको यूज़ करना है, तो पहले आपके पास जो है डर्मा का स्किन केयर वाला उसे ख़त्म करिए और उसके बाद बेकार में पैसा ज़ाया मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो भी वही फेस वॉश ही है। अगली बारी ऑर्डर करके मंगा लेना, कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो एक तो ये हो गया। अब क्या करना है उसके बाद जो फेस वॉश कर लिया, तो मुझे तो बहुत ड्राई फील होता है स्किन के ऊपर, तो क्या करती थी मैं, फिर आपको वो लगाना पड़ेगा, सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। सनस्क्रीन भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रेवेला के नाम से है, महंगी है ये, रेवेला ड्राई टच सनस्क्रीन जेल, इसकी भी फ़ोटो लगा दूंगी मैं यहाँ पे, आप वो लगाइए अपनी फेस पे। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मुझे डे क्रीम बताइए। डियर सब्सक्राइबर, मैं आपको अभी डे क्रीम नहीं बताऊँगी क्योंकि आप मेरे ख्याल से ऑलरेडी अरद को जेल बहुत बारी लगा चुकी हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको अभी कुछ लगाना चाहिए। मेरा ये रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो को आप फॉलो कर रहे हैं, तो पहले तो जो ये पार्ट वन है जिसका मैं टाइटल में पार्ट वन ऑफ रोजेशिया स्किन केयर करूँगी लिखूँगी, तो उसके बाद हम पार्ट टू बताएंगे जिसमें मैं एडिशनल डिलीट करूँगी जिन दवाइयों के, जिन एप्लीकेशंस को मैं सजेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो में। तो सनस्क्रीन लगाना काफ़ी है, पर मान लीजिए आपको फिर भी ड्राई लगता है तो ड्यू सॉफ्ट के नाम से एक डिब्बी आती है, क्रीम आती है, उसको आप मुझे फ़ोटो होगी तो मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे। ड्यू सॉफ्ट को आप थोड़ा मिक्स कर सकती हैं अपने सनस्क्रीन के साथ, रिवेला जेल के साथ। रिवेला जेल में आर्गन ऑयल होता है तो बहुत अच्छी होती है आपको। अगर देखो, अगर आप बहुत सारी कोई चीज़ लगाओगे तो स्वेटी स्वेटी भी फील होगा क्योंकि गर्मी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह से आपने लगाना है। इसके बाद अब आप कहोगे कि मैं क्या लगाऊं, भाई कुछ मत लगाओ, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं बाहर जाते हैं अपने आप को कवर लगाओ, हैट पहनो, नहीं तो दुपट्टा आगे तक करो, नहीं तो मास्क लगाओ, ऐसा यहाँ तक नोज़ को छोड़ दो और ये पोर्शन आपका कम से कम कवर हो जाएगा ना। तो क्या होगा जब हीट और सन है, अब छाता लेके जाओ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट सनलाइट से अपने आप को बचाना है। ज़्यादा धूप में वैसे भी कोई सेंसिटिव स्किन होती है वो तब भी यू नो रेड टर्न हो जाती है, तो जिनको रोजेशिया है उनको तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी ही चाहिए, ठीक है। और अपना अनुलोम विलोम तो मैंने कहा है, चाहे ऑफिस में बैठे हो कर सकते हो, चाहे आपको गुस्सा आ रहा है तो अनुलोम विलोम करो, और किसी भी हंसते रहना है, और जो आपका मजाक उड़ाना है उसके साथ तो और ज़्यादा हंसना है। ये सब आपको, आपको लग रहा होगा मैं क्या बातें कर रही हूँ, पर यही चीज़ें हैं जो आपको रोजेशिया से बाहर निकालेंगी, जो मैंने अपने पे अप्लाई किया तभी मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, अब ये मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि आपने मुँह धोना है, मुँह किससे धोना है, फेस वॉश से धोना है, डर्मा फेस वॉश, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फेस वॉश। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सनस्क्रीन लगानी है, उसका भी नाम मैंने आपको बता दिया। अब सनस्क्रीन लगा के, और मैंने ड्यू सॉफ्ट का नाम भी बताया, ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं उसको जहाँ भी आपका ड्राई है, यहाँ आई ऊपर नीचे यहाँ पे माथे में इस एरिया में नोज में वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और सनस्क्रीन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप घर वापस आएंगे रात को सोने से पहले, भैया अपने घर में ना एक तो ये पैक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लो, मैंने बना के रखा है, ये सबसे अच्छा पैक है, ये यही एक सिर्फ पैक है जो रोजेशिया लोगों को लगाना चाहिए और कोई नहीं लगाना चाहिए, कोई क्ले मास्क नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इसमें है हल्दी, इसमें है शहद, इसमें है दही, ठीक है, और उसको मिक्स कर लो अच्छी तरह से, ये आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। मैंने इसमें मुलेठी पाउडर भी डाला है, पर वो बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है मुलेठी पाउडर की। मुलेठी पाउडर मैं अब डालने लगी हूँ, पर उस टाइम जब मैं लगा रही थी तो नहीं डालती थी, तो कोई ज़रूरत नहीं है मुलेठी पाउडर के लिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुलेठी इज़ बेसिकली लिकराइस यू नो पाउडर, तो इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो है हल्दी, वो है दही और वो है हनी, ठीक है जी। अब ये पैक मैं आपको इसी वीडियो में लगा के, और फिर इसको मैं रात को इसलिए बोल रही हूँ लगाने के लिए क्योंकि इसके बाद ना थोड़ा सा फेस में पीलापन आ जाता है, तो जब आप सुबह उठेंगे फेस वॉश करेंगे तो वो चले जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और केवल ये पैक ऐसा है जो आपने रोज़ लगाना है, रोज़ हर रोज़। तो अगर आपको बनाने में दिक्कत है कभी ना, तो इसको बना करके एक पन्नी होती है या फिर यू नो
पन्नी से ही होगा ना, ढक के इसे फ्रिज में रख दो। उससे क्या होगा कि अंदर का मॉइस्चर रहेगा, ड्राई नहीं होगी। जब फ्रिज में ऐसे रख दोगे तो सूख जाएगी ना, पपड़ी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है किसी पॉलीथिन से, या फिर उसका आजकल तो वो भी आते हैं फूड रैप की, जो ट्रांसपेरेंट वाली अच्छी अच्छी चीज़ आती है, उससे कर दो कवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये लगा लिया और फेस धो लिया, पानी से धो लेना है रात को, हाँ, सोने से पहले इसको लगा लिया, तो आप मेट्रोजेल जेल लगा लीजिए। तो मेट्रोजेल जेल के बारे में भी काफ़ी लोगों को पता है, पर ये आपने सिर्फ रात को लगानी है और ये 15 दिन तक लगानी है। अब मैं अपने पार्ट टू में बताने वाली हूँ कि आपने मेट्रोजेल कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, पर मेट्रोजेल आपने सिर्फ रात को लगानी है, एक टाइम लगानी है, क्वांटिटी कम लगानी है। प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भूख लगती है तो फिर आप खाना बहुत ज़्यादा खा ले तो क्या होता है, पेट ऐसे लगता है ना, फटने लगता है, तो आपको फिर बदहजमी होती है, फिर आपको क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आप सो नहीं पाते, आपको कभी कभी चलने में भी तकलीफ होती है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वही चीज़ हर हमारी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ के साथ तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो यू नो हर चीज़ के साथ होते हैं। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। आप कम लगाओ यार मेट्रोजेल जेल, इतनी बड़ी ट्यूब है तो ख़त्म थोड़ी ना करनी है। मेरे पास तो मेट्रोजेल जेल पता नहीं कब से पड़ी हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही मेरी, क्योंकि मैं उसको हिसाब से लगाती हूँ, इतनी लगाती हूँ। और जहाँ मेरे को रोजेशिया, उस एरिया में थोड़ा सा लेके हल्का सा, और रगड़ 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 के, ऐसे ऐसे नहीं लगाती, तो ऐसे थोड़ा सा लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, जहाँ मेरे को रोजेशिया है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी जिसको है वो लगा दिया, और बस फिर जयराम जी की, सो गए। ठीक है, भगवान का नाम लेके सो जाओ, और फिर सुबह उठ के आप अपना नॉर्मल फेस धो, और अपना पैक का जो कलर रह भी गया होगा वो सब वैसे ही उतर जाएगा फेस वॉश के बाद। सिर्फ इतना करना है। इरिथ्को जेल जिन लोगों के पास है, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स में आए, इरिथ्को जेल आप लोगों ने सोच लिया जैसे ये कोई जादू की ट्यूब है, और आपको ये नहीं पता ये आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। स्टेरॉइड्स हैं बहनों भाइयों, समझ लो, चाहे मेट्रोजेल जेल भी है, इन सब में स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है, स्टेरॉइड्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, सरल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए, कि अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा रोज़ रोज़ हर पल लगाते रहोगे ना, तो क्या होगा, असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम बच्चों को खूब डांटते हैं, डांटते हैं, डांटते हैं, और खूब डांटते हैं, तो क्या हो जाता है, वो ढीठ हो जाते हैं ना, ढीठ, नहीं सुनते हैं वो बात को, फिर वो आपको जवाब देने लग जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे ये तो मेरे को, मैं डांट रही हूँ और या डांट रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को तो उनको सुनना चाहिए, पर ये तो उल्टा रिएक्शन हो रहा है। तो वही चीज़ हो रही है आपके साथ भी, तो क्योंकि आप बार बार एक चीज़ को यूज़ करोगे तो वो कहती है हट परे, मैं नहीं करती आपका इलाज, क्योंकि हमें हाँ बहुत सारी और भी ट्यूब्स भी आगे जाके लगानी है ना, तो उसकी क्वांटिटी कम कर लो। कोई खानी थोड़ी ना है, इतना ज़्यादा है तो उसका मतलब खाना थोड़ा ना, पेट अपना है तो इस तो इंडिया गेट थोड़ी ना है कि खाते रहेंगे सारा। तो उसी तरह से ट्यूब है अपनी भाई, तो अपने पास ही संभाल के रखनी होगी, थोड़ी लगाओ थोड़ी लगाओ। मैं बार बार ही मात्रा पे, आपने देखा मैं क्वांटिटी पे स्ट्रेस करती हूँ, मैंने इतनी रोजेशिया की वीडियो देखी है, मैं प्रमोशन नहीं करती अपनी वीडियो की, इसीलिए मेरे चैनल को अगर बने हुए 10 साल भी होंगे तो 328 लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं है ईमानदारी से कोई जो मतलब, और आप लोग वाकई में बड़े ईमानदार लोग हैं जो लोग टिके हुए हैं अभी तक मेरे चैनल के साथ। तो बाकी पता नहीं, देख लेते हैं, या उनको लगता है कि वो यूज़फुल नहीं है, बट एनीवेज ऊपर है भगवान जी, वो देखेंगे क्या करना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना, हो गया ये 15 दिन का मेरा पार्ट 1 का हो गया ख़त्म। आप अब कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई भी, मैंने आपको फेस वॉश बता दिया, मैंने आपको फेस पैक बता दिया, मैंने आपको सनस्क्रीन बता दी, मैंने आपको रात की एप्लीकेशन बता दी, और मैंने इसमें सिर्फ एक ड्यू सॉफ्ट बताई है जो आप कभी भी लगा सकते हो, जहाँ भी आपको फेस में, हाथ में, कहीं भी ड्राई हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी एक क्रीम है, वो कोई भी लगा सकता है, इसमें एलोवेरा भी है। महंगी चीज़ें आई हैं पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो इसलिए हिसाब से इस्तेमाल करें,
ऑलराइट, अब डे क्रीम मैं कोई नहीं बता रही हूँ आपको, अभी नहीं बताऊँगी। रेतको जेल डे को मेरे हिसाब से बहनों जिन्होंने दिन रात दो दो टाइमें लगाई हैं वो तो बिल्कुल ना लगाए। रेतको जेल की मेरी वीडियोस बनी हुई हैं पुरानी, जिसमें मैंने हमेशा कहा है कि रेतको जेल का भी टाइम आएगा जो मेरे आगे वाले आने वाले पार्ट्स में मैं बताऊँगी। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आज ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ और मैं आज आपको बोलूँ रेतको जेल यूज़ कर लो, आप तो यूज़ करना शुरू कर दोगे। हालाँकि रेतको जेल तो सिर्फ SOS है, SOS का मतलब होता है सेव आर सोल, मतलब जब आपकी जान पे बनाए तब आपको यूज़ करना है। मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, मान लीजिए आपने पार्टी में जाना है, मान लीजिए 10 लोगों ने मीटिंग में आपकी बातें सुननी है, आपको लगता है कि सारा ध्यान आपकी तरफ होगा, और तो तभी उसको थोड़ा सा लगा देना होता है। और वो भी ये नहीं कि उसके ऊपर कोई आपने कॉस्मेटिक लगा देना है, फाउंडेशन लगा देनी है, सिर्फ वही लगाना होता है और छोड़ दो उसको, और थोड़े टाइम काम कर लेगी वो, उसका सिर्फ इतना ही काम होता है। पर पता नहीं आप लोग तो रोटी सब्जी के साथ तरह यूज़ कर रहे हो इसको, दिन को शाम को 2 बारी 3 बारी। भाई ऐसे मत करो, इसका रिएक्शन नहीं होगा, उल्टा काम कर लेगी ये तो ओनली 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 मुसीबत में फंसे हो। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी एरिथ्रो जेल है उनकी बात कर रही हूँ, और जिन लोगों ने नहीं लिए तो भाई लोग मत लो, अभी मत लो। आगे आने वाले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पे मैं बताऊँगी ना, तब जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को मतलब जो लोग बाहर आउटडोर का काम करते हैं उन्हें वाकई बहुत ज़रूरी है, तो भी मैं उनको बोलूँगी कि रात को लगाइए, और सिर्फ एक टाइम लगाइए रात को सोने से पहले। पूरे दिन का पूरा थकान जब आपका मुंह धो के साफ करके अपना ये वाला पैक लगाओगे ना, उसके बाद फिर आप वो लगाओ। अभी तो मैंने नाइट में आपको मिट्रोजेल जेल बोल दिया, तो वो हिसाब से लगाइए, ठीक है। तो ये तो था, चलिए अब मैं आपको ये फेस पैक लगाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं इसके लिए कहती हूँ, ये फ्री या सबके घर में होता है ये चीज़, आप प्लीज़ इसको लगाओ और आप फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दो और देखो इसका असर कितना होता है। बहुत अच्छा, आपको मैं आपको खुद ही दिखा दूंगी इसका असर, तो आप देख लेंगे कितना पीलापन आता है और किस तरह से आता है। चलिए बात करते करते एक चीज़ मैं और आपसे ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है पर बात कर लेती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और खैर आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस वर्ड, ओवर यूज्ड वर्ड है ना स्पिरिचुअल। भाई आप अपने भगवान को मानते हैं तो फिर ये तो कोई एहसान तो नहीं करता ना भगवान को मानकर। स्पिरिचुअलिटी तो मतलब श्रद्धा तो आपके अंदर से ही आनी चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन होता है, तो भाई लोग बहनों लोग आप लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए। कोई भी आपका लोकल हनुमान मंदिर होगा ना वहाँ जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, चोला नहीं भी चढ़ाते हैं तो प्रसाद चढ़ाइए। चोला मतलब वो होता है, वो सिल्वर फॉइल नहीं होता, लड़कियों को तो छूना नहीं चाहिए हनुमान जी को, पर उनको दूर से मतलब पंडित जी को दे दो, वो चोला चढ़ाना चाहते हैं वो चोला चढ़ा देंगे। और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए, ये मंगलवार और शनिवार को करिए। और मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, मत्था टेकिए, मत्था होता है ना टेकना, आजकल कम ही टेकते हैं लोग, मत्था टेकिए ऐसे, मत्था टेक के कम से कम 21 बारी नाक रगड़नी है आपने। क्यों रगड़नी है जानते हैं क्यों, मैं क्यों बोल रही हूँ, माफ़ी तलाफी के लिए। देखिए दिस इज़ ऑल इन द यूनिवर्स विच इज़ हैपनिंग, वाई सम पीपल आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, वाई सम पीपल आर नॉट हैविंग दिस प्रॉब्लम, देर आर सम कर्मास, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ये सब का सब एक कॉम्बिनेशन है जो वर्क करता है इसके लिए। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप ये कंटिन्यूसली एक हैबिट बनाएंगे, नॉनवेज नहीं खाना मंगल और शनिवार वाले दिन, और मत्था टेक के आप अपनी ऐसे परवाह मत करो यार, लोग देख रहे हैं कौन से ऐसे कान पकड़ के ना ऐसे कर लो, जल्दी ऐसे माफ़ी मांग लो भगवान से, सच्चे मन से बोलो कि प्रभु मैंने कभी आपका मजाक उड़ाया हो, आपके रंग का मजाक उड़ाया हो, या आपकी सेना का, सेना कौन होती है, जो वानर सेना होती है ना, वानर मतलब जो बंदर, तो वानर सेना जो होती है उनका कभी मजाक उड़ाया तो मुझे उसकी प्रभु उसकी जो सज़ा मुझे आज इस जन्म में मिल रही है, कृपा मुझे माफ़ी दो, मैं आपसे आपकी दया मांगती हूँ, मेरे पे कृपा बनाए रखें, इस तरह से आप उनको बोलिए। और बाकी जो मैं जो बता रही हूँ वो एप्लीकेशन लगाइए और आप देखिए आपको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसा कम ही लोग हैं जो आपको सुझाव देंगे, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ है जो मैंने आपको बताई है।
और ये पर्सनल चीज़ ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि उनको ये भय होता है कि पता नहीं आगे से कमेंट कैसे आएंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर, और आपने देखा हनुमान जी का रंग क्या होता है, हनुमान जी का रंग लाल होता है, सुर्ख कैसा है? वो ऑरेंज कलर होता है। यू नो यू ऑल्सो टर्न ऑरेंज एंड ब्लू व्हेन यू हैव रोजेशिया, डोंट यू टर्न दैट? इज इट नॉट अ फैक्ट? ना हर चीज़ का ना मुझसे अब ये मत पूछना कि कोई आर्ग्यूमेंट में मत चले जाना मेरे साथ, क्योंकि जिसको करना है करें, जिसे नहीं करना है ना करें। अपना आपका धर्म अलाउ करता है या नहीं करता है ये आपके ऊपर है, नहीं तो यूट्यूब में भी आप हनुमान चालीसा सुन सकते हो और पढ़ सकते हो अपने लिए। आप जो जो किसी और धर्म को मानने वाले भी भाई, दवाई तो खाते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो, वो ये थोड़ी ना बोलती है कोई ये धर्म का है वो धर्म का है। करो, हनुमान जी ही हमारे भगवान हैं जो ये इस आपको इससे मतलब झट से आपकी सुन लेंगे ये बात को। राम 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 का पाठ जरूर करें, राम नाम जरूर लें, श्री राम का नाम पाठ जरूर करें, सोने से पहले जरूर करें राम नाम का पाठ करें, बहुत अच्छा होगा। मेरी तो एक आदत है, मैं जैसे फूड डायरी मेंटेन करती हूँ ना, जिसमें लिखती हूँ मैं कम से कम एक पेज राम जी के नाम, राम राम राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम करके ऐसे मैं लिखती हूँ। ये एक मेरी आदत भी बन गई है। तो पहले पहले तो मंगलवार और शनिवार लिखती थी, अब फिर मेरी आदत बन गई है कि जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ या मुझे लगता है कि यू नो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़र है, तो मैं भगवान जी का नाम श्री राम श्री राम श्री राम लिखती रहती हूँ। तो अब मेरा एकदम मेरा कॉन्फिडेंस भी मेरे पास वापस आता है। चलिए मैं वीडियो को पॉज करती हूँ और फिर आपको मुँह धो के ये रिजल्ट बताती हूँ, ठीक है? मुँह धो लिया मैंने। अब एक ना ऐसा कपड़ा या हैंकी रख लूँ कि आप उससे वाइप करना, क्योंकि जो हल्दी जो हमने लगाया है ना पैक, जिसमें हल्दी भी और दही भी है, उसमें क्या होता है कलर छोड़ देता है वो। तो अगर आपके टावल में कलर छूट जाएगा ना, मुझे तो बहुत बड़ी डांट पड़ी है उस चक्कर में, तो आपको भी डांट पड़ सकती है, तो ख़राब हो सकता है आपका टावल भी। तो इसलिए छोटा टावल रख के ना ऐसे से करके डैब 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 डैब, और फिर बस अपनी मैं ड्यू सॉफ्ट, एक मिनट, मैं घर में थी इसीलिए मैंने ये पैक लगाया, नहीं तो ये रात को लगाने वाला पैक है। तो देखो अगर लाइट है तो पीलापन आ रहा होगा थोड़ा, बट दैट्स ओके क्योंकि मैं घर में हूँ। ये ड्यू सॉफ्ट है, मुझे ना ड्राइनेस फील हो रही है, ये ड्यू सॉफ्ट है, ओके, वेरी नाइस क्रीमा। इसको इसका स्प्रेड बहुत अच्छा है, तो इसको ना जहाँ जाओ जैसे मेरे को ड्राई जहाँ फील होता है ना वहाँ मैं लगाती हूँ इसको। आइस के यहाँ पर लगा दिया और माथे पर लगा दिया, तो आप ऐसे इसको स्प्रेड कर सकते हो। मैं इसको, मुझे चीक्स में नहीं फील होता ड्राई, तो मैं नहीं लगाती वहाँ पर, ओके तो मैं इसको ऐसे ही लगा लेती हूँ। अभी मैं रिवेला लगाऊंगी यहाँ पे, और ये मेरी रिवेला दूसरी वाली है, दूसरी मतलब रिवेला में भी अलग अलग ना नाम से आते हैं, तो वो आगे वाले स्टेप्स में बताऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों से तो काफ़ी आगे हूँ ना ट्रीटमेंट वाइज, तो इसीलिए इसको मैंने सनस्क्रीन पूरी जगह लगानी है, ये नहीं कि सिर्फ चीक्स में लगानी है। अभी मैं घर में हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भाई कर सकते हैं, हम थोड़े चीटिंग कर सकते हैं, अलाउड है। इधर लगाया उधर लगाया बाकी छोड़ दिया, बट यू नो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्लाई द क्रीम इन द सनस्क्रीन, ओके दिस इज़ ऑल। मतलब डे क्रीम में जो पूछ रहे थे, अभी फ़िलहाल इसको यही अप्लाई करो, इवन मैं भी यही अप्लाई कर रही हूँ, पर पैक लगाना मत भूलना। चलिए, हो सकता है आज की वीडियो आपको लंबी लगी हो, कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दी हो, मरुनी का नुकसान है, और जो मैंने आपको पाठ बताया है वो ज़रूर कीजिए। श्री राम नाम तो लिखिए लिखिए साथ साथ, मंगलवार को और शनिवार को माफ़ी तलाफ़ी के लिए हनुमान जी के अपने कोई भी मंदिर जा कर के, या अपने घर में आपके हनुमान जी हैं उन्हें मत्था टेकिए, उन्हें प्रसाद ज़रूर चढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है मंदिर में जाके ट्यूसडे को और सैटरडे को चढ़ाना। और देखिए अगर मेरा नाम बदल देना, मैं चैनल का नाम बदल दूंगी अगर आपको असर नहीं हुआ। ये मेरा चैलेंज है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजना कितना फ़र्क पड़ा। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि तभी आपका रोजेशिया छू मंतर हो जाएगा। चलिए, लॉट्स ऑफ लव टू पीपल ऑल ओवर द प्लेस, जहाँ से लिखते हो जगह का नाम भी लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वो इलेक्शन आ रहे हैं, प्लीज़ वोट कीजिए, वोट करो उसको जो महिलाओं की इज्जत करता हो, वोट करो उसको जो देश को आगे ले जाने की बात करता हो, वोट करो उसको जो जिसके फ्यूचर प्लान्स हो इंडिया को कहीं देखने के लिए, ठीक है ना? सो वोट फॉर डिवेलपमेंट, वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर मोदी।
चलो वी फॉर विक्ट्री. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.